बैठिए। हाँ भाई वकील साहब, शुरू करें। ये एक मिनट, ये सब क्या है? एक नाबालिग लड़का अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहता है? मजबूरी है जज साहब, मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आप इनके फादर हैं? जी सर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मास्टर गुलाब का ये दावा है कि उसके पेरेंट्स उसे पोर्नोग्राफी यानी कि अश्लील फिल्में देखने के लिए, अश्लील किताबें पढ़ने के लिए, अश्लील पिक्चर्स देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। छी 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 छी, ये दावा एकदम बेबुनियाद, सरासर झूठ और घटिया दावा है योर ऑनर। मतलब कोई पेरेंट्स क्यों चाहेंगे कि उनका सपूत पोर्नोग्राफी देखने या पढ़ने के लिए मजबूर हो? मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है कि यह मुकदमा अभी के अभी यही खारिज किया जाए, केस डिसमिस। ये हमारा काम है ना, हमें करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए ना। हाँ बैठिए। अरे भाई, अदालत ये जानना चाहती है कि एक छोटे से नाबालिग बच्चे को ऐसी तो कौन सी मजबूरी आ गई जो इसे इस गंदगी की तरफ जाना पड़ा। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहती हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किस बात पर? ऑब्जेक्शन रिवर्स योर ऑनर। यू मे प्रोसीड। मास्टर गुलाब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको पोर्नोग्राफी की तरफ धकेल रहे हैं, देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं बेटा? योर ऑनर, एक बार मैंने मेरे पिताजी से सवाल पूछा कि बच्चे कैसे पैदा होते, तो उनका कहना था कि हमने भगवान से मन्नत मांगी कि हमारी बगिया में एक फूल खिल जाए और मैं आ गया। ये कहने का एक तरीका है। योर ऑनर, ये कहने का तरीका है, सवाल का सही जवाब नहीं है। वो भी मेरे पिताजी हैं, कोई माली नहीं। फिर वही सवाल मैंने मम्मी से भी किया कि मैं यहाँ कैसे आया, तो उनका भी यही कहना था कि हम हॉस्पिटल गए, जो सबसे सुंदर बच्चा दिखा उसे घर ले आए। ये कोई सब्जी मंडी थोड़ी ना, जो हाथ में आया वो घर ले आए। हर बार मुझे कहने के तरीके मिलते हैं, सवाल के सच्चे जवाब नहीं। अब सुनिए मेरे पेरेंट्स क्या कहते हैं। वो कहते हैं आसमान से तारा टूट के हमारे पालने में आ गिरा। कोई कहता है कि फरिश्ता आया था सपने में जिसने माँ को बेटे का वरदान दे दिया। आई मीन फॉर गॉड सेक योर ऑनर, डजंट एनीवन हैव सेक्स एनीमोर? मतलब हमारी कंट्री में बच्चे बिना सेक्स के पैदा होते हैं? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटे, सारी कहानियां रिश्तों की नजाकत पर टिके होते हैं, कहा जाए तो इट्स वेरी नेचुरल। नो योर ऑनर, इट्स नॉट नेचुरल। जब मेरे माँ बाप मुझसे झूठ बोलेंगे तो मैं किस पे भरोसा करूँ? देखो बेटा, ये सारे फलसफे, सारी फिलोसफी, ये सब कहने की बातें हैं, इससे पोर्नोग्राफी का क्या संबंध है? नहीं, मतलब अरे कोई समझाओ ना इससे, मतलब। योर ऑनर, यही तो हमारी दलील है, यही तो हम दावा कर रहे हैं। इस तरह के कई बच्चे जिन्हें सेक्स की पहली नॉलेज इस तरह की पोर्नोग्राफी या फिर अश्लील फिल्में देखकर मिलती, क्यों? क्योंकि उन्हें उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अब माँ बाप का यही काम रह गया कि घर में बच्चों को इतनी घटिया बात, मैं तो भरी अदालत में कह भी नहीं पा रहा हूँ। यही तो नुक्स है हमारे समाज में, करते सब है, कहता कोई नहीं। योर ऑनर, मैं डॉक्टर शेखर को कटघरे में बुलाना चाहूंगी, उनसे कुछ सवाल। इजाजत है। नमस्ते जज साहब। डॉक्टर साहब, इस विषय में आपके क्या विचार? अब बात इतनी है सैडली सो कि आज की पीढ़ी के एडोलेसेंस यानी 13 साल की उम्र के बच्चे सेक्स की जानकारी पहली बार पोर्नोग्राफी देखकर ही पाते हैं, जो अच्छा नहीं। अरे तो अच्छा नहीं है तो मत देखे ना। वही तो मुद्दा वकील साहब, ऐसी उम्र में सेक्स के बारे में बच्चों की क्यूरियोसिटी जिज्ञासा रोकी नहीं जा सकती। अब दोनों लड़का लड़की के शरीर में तब्दीलियां हो रही होती है और वो इन चेंजेस को समझना चाहते हैं। अरे तो पोर्नोग्राफी में भी तो वही दिखाते हैं, सेक्स। अरे ना 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 वकील साहब, पोर्न का नजरिया, उसका अंदाज बिल्कुल गलत है।
वो बच्चे के दिलो दिमाग में सेक्स के बारे में गलत इंप्रेशन डालता है। स्त्री पुरुष के पावन संबंध को एक तमाशे के रूप में दिखाया जाता है। सैडली सो, अरे तो आप दूर रहिए ना पॉर्न से। इसके लिए माँ बाप को दोषी ठहराना कहाँ का इंसाफ है। प्यासा है तो पिएगा ना। जज साहब, अब ये हम पर, हमारे समाज पर निर्भर है कि हम अपने बच्चों को अमृत दें या सर। अगर हम उन्हें सच नहीं बताएंगे ना, तो हमारे बच्चे पोर्नोग्राफी की तरफ ही जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या उपाय? अगर हम हमारे बच्चों के दिमाग में डाल दें कि सेक्स एक वाहियात चीज है, तो आगे जाके ना तो वो अपनी खुद की और ना अपने पार्टनर की इज्जत कर पाएंगे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सदियों से हमारी सोसाइटी ऐसे ही चलती आ रही है, तो आज इस बारे में इतना फ्रैंक होने की क्या जरूरत पड़ गई, इतना खुल के बात करने की क्या जरूरत है? वकील साहब, शायद आप भूल रहे हैं, हमारे यहाँ इसे कला और गहरे प्रेम का दर्जा दिया गया है। अब बच्चे तो जानकर रहेंगे जज साहब कि ये सच्चाई है या टोटल मिस इन्फॉर्मेशन। तो आपके कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ सेक्स के रिलेटेड बातें करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। हम सारे के सारे पैदा होते हैं सेक्स के जरिए, ये कोई शर्मनाक चीज नहीं है, ये तो एक नेचुरल सी सच्चाई है। ये पोर्नोग्राफी से कहीं बेहतर विकल्प, मतलब बेटर ऑप्शन। तो आप इस अदालत को कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम जी आपका बहुत धन्यवाद, और जज साहब आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। कंटिन्यू कीजिए ना आगे। आज हम माँ बाप को एहसास हुआ है कि झूठी शान और फालतू के शर्म की आड़ में हम अपने बच्चे को अंधेरे में ढकेल रहे। सर, सबसे पहले तो विषय ये है कि इस बात को बहुत नॉर्मल समझा जाए। यदि कोई माँ बाप अपने बच्चों से बात करने में सामर्थ्य नहीं रखता, तो बेहतर विकल्प है हमारे पास। आज किताबें हैं, काउंसलर हैं, डॉक्टर्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और धन्यवाद, हम आपका इशारा समझ रहे हैं। सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि बच्चों की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी रुकने वाली नहीं है। पहले तो हम इसे नॉर्मल समझ लें, तभी तो अपने बच्चों को सही राह दे सकेंगे। बेटा, आज से मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। ये तो पोर्नोग्राफी की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ ना, बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना। योर ऑनर, अब क्या हुआ? इस बात पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थैंक यू। सो केस डिसमिस। एक मिनट योर ऑनर, अब क्या हुआ? एक सेल्फी ले लें। आइए।